हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अमेज़ॉन पर आप कैसे अपने प्रोडक्ट की कॉपी होना रोक सकते हैं। तो बेसिकली इसको बोलते हैं फेक मैपिंग और या नकली प्रोडक्ट लिस्टिंग, डुप्लीकेट लिस्टिंग। तो अब क्या होता है कि अब हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और सेलर्स अपनी अपनी ब्रांड बनाने की कोशिश करते हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स लेके आते हैं और वो बेचते हैं, तो उनकी सेल ओवर द टाइम बढ़ जाती है। तो फिर जो दूसरे कॉपी कैट्स होते हैं वो सेल को देख के, रिव्यूज से देख के अंदाज़ा लगा पाते हैं कि आपकी सेल अच्छी हो रही है, तो वो क्या करते हैं, वो सिंपली आप ही के जैसा प्रोडक्ट किसी दूसरे नाम से बेचने लग जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा वो जो हथियार यूज़ करते हैं बेसिकली, वो क्या होता है कि जो आपके प्रोडक्ट की इमेज है सेम टू सेम वैसी इमेज कॉपी कर लेते हैं। जैसे सपोज़ करें कि आपने कोई इलेक्ट्रिक शेवर बेच रहे हैं आप, उसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर सा अट्रैक्टिव सा वो इलेक्ट्रिक शेवर है, तो अब क्या करेंगे कि अगर आपके रिव्यूज़ ज़्यादा बढ़ गए हैं तो दूसरे लोग सब वैसी फ़ोटो लगा देंगे सेम आपके इलेक्ट्रिक शेवर जैसी कि, और फिर कस्टमर और प्राइस कम कर देंगे, तो कस्टमर को लगेगा कि भाई अब ये दूसरा सेलर भी तो सेम ही चीज़ बेच रहा है, कम प्राइस पे बेच रहा है, तो मैं इससे ले लेता हूँ। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि आपकी जो इमेज है एक तो वो कॉपी कर ली, जिसकी वजह से वो फेक लिस्टिंग कॉपी बना दी है और फिर प्राइस कम कर दिए। एक तो आपके बिजनेस को नुकसान कि अब कस्टमर जो है सस्ती चीज़ की तरफ भाग रहा है। फिर कुछ टाइम बाद क्या है कि कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि आप बेच रहे हैं जो सामान वही दूसरा भी बेच रहा है, और रिव्यूज़ कभी कभार कस्टमर भूल जाता है कि उसने किससे लिया है, और रिव्यूज़ कभी कभार आपके भी गंदे लिख सकते हैं कि ये मैंने लिया और ये प्रोडक्ट ख़राब निकला। तो इससे लॉन्ग टर्म में आपकी ब्रांड को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो अब क्या करें ऐसा ना कि आप इन कॉपी कैट्स को और फेक लिस्टिंग्स को अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे रोक सकें। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप डिज़ाइन पेटेंट लें। डिज़ाइन पेटेंट बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपका कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे वो कप है, प्लेट है, शर्ट है, साड़ी है, डोरमैट है, हर चीज़ का आप डिज़ाइन प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो टू डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल होती है आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट इन द सेंस कि वो कैसा दिखता है उसका डिज़ाइन, आप चूड़ियों का, नेकलेस का, हेयर बैंड का, लिपस्टिक की केसिंग का, किसी भी चीज़ का लुक एंड फील अगर आपको मतलब बचाना है कि उसकी फ़ोटोज़ कोई कॉपी ना करे, उसके आप प्रोडक्ट का डिज़ाइन कोई कॉपी ना करे, उसके जैसा कोई रेप्लिका ना बनाए, तो आप उसे डिज़ाइन पेटेंट के अंदर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग ज़्यादातर भूल जाते हैं वो ये है कि डिज़ाइन पेटेंट हमेशा प्रोडक्ट बेचने से पहले फाइल करना चाहिए। मतलब कि जैसे अगर आपको लग रहा है कि आपका साड़ी का डिज़ाइन है या फिर आपका कोई पर्स का डिज़ाइन है जो कि आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बिकने वाला है, आपको पर्सनली उसमें एक स्कोप दिख रहा है, तो आप लोगों को सबसे पहले उस प्रोडक्ट को मार्केट करने से पहले आपको उसका डिज़ाइन पेटेंट फाइल करना चाहिए। क्योंकि जो डिज़ाइन पेटेंट होता है उसमें ये रिस्ट्रिक्शन होता है कि अगर आपने प्रोडक्ट अपना पहले लॉन्च कर दिया तो आपको फिर पेटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि पेटेंट का जो पहला बेसिस होता है कि हर चीज़ नई होनी चाहिए, पब्लिक में पहले से पता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब चाहे वो आप ही डिस्क्लोज़र कर रहे हो लेकिन वो अलाउड नहीं होता, तो ये चीज़ का आपने बड़ा ध्यान रखना है। अच्छा, और डिज़ाइन पेटेंट से आप जैसे डिज़ाइन पेटेंट में क्या होता है कि जैसे सपोज़ करें कि आपने अपना पर्स का डिज़ाइन प्रोटेक्ट करना है, तो अब आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपको उसका वो फ्रंट से कैसे दिखता है उसकी फ़ोटो, बैक से कैसे दिखता है वो फ़ोटो, टॉप से कैसे दिखता है, साइड से कैसे दिखता है, राइट साइड से कैसे दिखता है, वो सब फ़ोटोज़ आपको देनी होती हैं डिज़ाइन पेटेंट में, सो दैट कि आपका पूरा ओवरऑल प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा है वो प्रोटेक्ट हो पाए। इसका क्या फ़ायदा है, एक तो आपका प्रोटेक्ट हो गया डिज़ाइन, ठीक है, तो अब आप दूसरे लोगों को लीगल नोटिस भेज सकते हैं, उनको रोक सकते हैं कि वो आपका डिज़ाइन कॉपी ना करें। दूसरा, जो इमेजेस आपने दी हैं वही इमेजेस आप अमेज़ॉन पे भी लगाते हैं तो आप कॉपीराइट स्ट्राइक भी कर सकते हैं और डिज़ाइन की अमेज़ॉन इन्फ्रिंजमेंट में भी डाल सकते हैं, डिज़ाइन इन्फ्रिंजमेंट में भी डाल सकते हैं, तो इनडायरेक्टली आपकी दोनों चीज़ें प्रोटेक्ट हो जाती हैं। और ज़्यादातर लोगों की ना यही स्ट्रैटेजी होती है जो कॉपी कैट्स लोग होते हैं कि ये जो अच्छे दिखने वाले प्रोडक्ट होते हैं उनकी फ़ोटोज़ कॉपी कर लेते हैं एज इट इज़, तो उससे क्या होता है कि कस्टमर को लगता है सेम ही प्रोडक्ट बिक रहा है, ठीक है, तो इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। तो डिज़ाइन पेटेंट आप करें, लेकिन बस ये याद रखें कि मार्केट में सामान बेचने से पहले
डिज़ाइन पेटेंट फाइल करना होता है। जैसे अगर आपके कोई बहुत अच्छा जूते बिक रहे हैं तो ये नहीं कि अब वो बिकने लग गए हैं तब आप डिज़ाइन पेटेंट फाइल करेंगे, फिर आपका आपको मिलेगा नहीं पेटेंट, ठीक है। क्योंकि पेटेंट हमेशा नई चीज़ पे मिलता है जो कि पहले से मार्केट में नहीं होनी चाहिए, फिर इसका कोई मतलब नहीं है कि मार्केट में वो आपने निकाली है या दूसरे ने निकाली है। तो पेटेंट तो आपको पहले लेना होता है डिज़ाइन पेटेंट का, बस यही एक फ़र्क है डिज़ाइन पेटेंट में और ट्रेडमार्क में। ट्रेडमार्क आप कभी भी फाइल कर सकते हो, डिज़ाइन पेटेंट लेकिन आपको मार्केट में पहले निकालने से पहले फाइल करना होता है। तो कोई भी आपका प्रोडक्ट है जो आपको लग रहा है एज अ बिजनेसमैन कि भाई ये तो मेरा प्रोडक्ट चलेगा, तो इतना महंगा भी नहीं होता डिज़ाइन पेटेंट, तो आप ज़रूर फाइल करें डिज़ाइन पेटेंट। और डिज़ाइन पेटेंट के बहुत फ़ायदे हैं आपको, क्योंकि जो अमेज़ॉन होता है वो पेटेंट राइट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है और कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट और पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो अगर आपके पास डिज़ाइन पेटेंट नंबर होगा तो आप अपना कंपटीशन पहले ही किल कर सकते हैं। और इन छोटी छोटी बातों से ना बिज़नेस पर बहुत फ़र्क पड़ता है, आपकी ब्रांड इमेज भी अच्छी रहती है, कॉम्पिटिटर्स भी थोड़े दूर रहते हैं और हर चीज़ आप अच्छे से। और डिज़ाइन पेटेंट का सबसे फ़ायदा ये है किसी भी चीज़ के लिए आप डिज़ाइन पेटेंट फाइल कर सकते हो, चाहे वो जूते हो, हेयर क्लिप हो, और आपकी कोई प्रोडक्ट की पैकिंग हो, और आपकी आप अगर शर्ट बेचते हैं, साड़ी बेचते हैं, फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, कोई डेकोरेशन का आइटम बेचते हैं, बल्ब बेचते हैं, लैंप बेचते हैं, किसी भी चीज़ के लिए आप ले सकते हैं। तो इससे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपका, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो करते हैं वो यही करते हैं, कुछ ज़्यादा कोई प्रोडक्ट बिक रहा होता है उसकी चाइनीज़ कॉपी बनवा लेते हैं, तो उस सब चीज़ों से आप बच जाओगे, आपकी सेल भी बहुत इम्प्रूव होगी। तो और ये बहुत आसान भी होता है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होता है, और इसकी फाइलिंग का भी ये है कि ये 2 दिन में फाइल हो जाता है, तो आपको ऐसे बहुत वेट भी नहीं करना पड़ेगा कि अभी मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा, मैं मार्केट में मेरा मतलब काम धंधा डीले हो जाएगा, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कोई भी चीज़ है आप डिज़ाइन पेटेंट फाइल कर सकते हो। और अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमें कॉन्टैक्ट करें, आप हमारी वेबसाइट पर जाएँ www.company360.in और या फिर हमें मेल करें info@company360.in info@company.in ठीक है। थैंक यू।